हेलो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि क्या हमें अपने बाइक की सर्विसिंग किसी अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर करानी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स क्या किसी लोकल गैरेज पे हम अपनी बाइक की सर्विसिंग करा सकते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हमें सोचना पड़ता है क्या हम बाहर अपनी बाइक की सर्विसिंग कराएं या नहीं कराएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो फिलहाल अभी मेरे पास है सुजुकी की बाइक, और सुजुकी की जो नियरेस्ट ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वो यहां से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे वजह से या ऐसे किसी भी वजह से अगर आपको लगता है कि क्या आपको आपकी बाइक की सर्विसिंग बाहर करानी चाहिए या नहीं, अगर आपको जानना है तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर विजन मिल जाएगा क्या आप अपने बाइक को सर्विस कराएं बाहर या नहीं कराएं। वैसे अगर आपकी बाइक न्यू है और आपके बाइक ने ज्यादा किलोमीटर कवर नहीं किए हैं, और इन अदर वर्ड्स अगर आपके बाइक की सिर्फ फ्री सर्विस हुई है या फ्री सर्विस के दो तीन बाद के एक्स्ट्रा सर्विस हुए हैं, तो प्लीज आप अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर या किसी लोकल गैरेज पर अपने बाइक की सर्विसिंग को अवॉइड करें। अदरवाइज अगर आप बाहर करवाते हैं तो मे बी आपको वारंटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वारंटी टाइम के अंदर आपकी बाइक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर अगर आप वारंटी क्लेम करेंगे तो फिर कहीं पता चला कि आपने कहीं बाहर अपनी बाइक सर्विस कराई है, या जो कंपनी ने रिकमेंड किया था कि इतने किलोमीटर्स पे ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर आपको सर्विस कराना था, आपने नहीं कराया, तो आपको वारंटी क्लेम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज, बाइक अगर न्यू है तो अवॉइड एनी अनऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर। ओके गाइस, अब आप ये समझ लीजिए कि जनरल सर्विस में आपके बाइक के साथ किया क्या जाता है। दोस्तों, बाइक में आपके इंजन ऑयल को चेंज किया जाता है, विच इज आफ्टर एवरी 4000 किलोमीटर। अगर आप सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज कर रहे हैं, अगर आप फुली सिंथेटिक ऑयल यूज कर रहे हैं, तो लगभग 7-8 हजार किलोमीटर पे चेंज किया जाता है। ऑयल फिल्टर चेंज किया जाता है, एयर फिल्टर या तो क्लीन किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है, और इसी तरीके से बाकी सारे चीजों के इंस्पेक्शन किए जाते हैं। जहां ग्रीसिंग करना है वहां ग्रीसिंग किया जाता है, जहां पे ऑयलिंग करना है वहां ऑयलिंग किया जाता है। सो अगर आपको जानना है कि आपके बाइक के सर्विसिंग में कब क्या करना है, आप रिफर कर सकते हैं अपने ओनर्स मैनुअल को। आपके ओनर्स मैनुअल में सब कुछ दिया होता है। अगर आपके ओनर्स मैनुअल पे ये नहीं दिया हुआ है, या तो आपने अपने ओनर्स मैनुअल को घुमा दिया है जैसे कि काफी लोग करते हैं, तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं। इंजन ऑयल एवरी 4000 किलोमीटर, अगर आप सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज कर रहे हैं, अगर आप फुली सिंथेटिक ऑयल यूज कर रहे हैं, तो लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास में आपका इंजन ऑयल चेंज होता है। और ऑयल फिल्टर जो है सिर्फ सेकेंड इंटरवल में चेंज होता है। मतलब अगर अभी मैंने ऑयल फिल्टर चेंज कराया, तो नेक्स्ट सर्विस पे मैं ऑयल फिल्टर चेंज नहीं कराऊंगा, उसके अगले वाले सर्विस पे अपनी ऑयल फिल्टर चेंज कराऊंगा। स्पार्क प्लग लगभग 8000 किलोमीटर पे चेंज किया जाता है। एयर फिल्टर आपको लगभग 12000 किलोमीटर पे चेंज करना होता है। आप चाहे तो पहले भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ एयर फिल्टर। मैंने ऑलरेडी एक एयर फिल्टर पर वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन आई बटन, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, उस पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी चीज आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लाइक डिस्क ब्रेक के जो पैड्स हैं वो सही है कि नहीं, आपके जो रियर व्हील में जो ब्रेक्स हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं पे ऑयल लीकेज तो नहीं है, और कहीं से अगर कुछ अनयूजुअल साउंड आ रहा है तो आप वो सब चीज जनरल सर्विस पे ठीक करवा सकते हैं। गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक माई बाइक टू एनी अनऑथोराइज सर्विस सेंटर, जाता हूँ वहां पे अपने बाइक की सर्विसिंग कराता हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या उसके पॉजिटिव साइड है क्या नेगेटिव साइड है। और जब आपको उनको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पता चल जाएंगे, तो आपके पास एक क्लियर आंसर होगा कि आपको अपनी बाइक की सर्विसिंग ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के बाहर करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रेव्स राइडर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रवि उत्कर्ष, और ये शहर है कोरबा छत्तीसगढ़, और मैं जा रहा हूं ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर में काफ़ी गैरेजेस हैं वहां पर,
तो वहां पे मैं जाता हूँ किसी अनऑथराइज्ड जगह पर अपनी बाइक की सर्विसिंग कराता हूँ, देन आई विल लेट यू नो माई एक्सपीरियंस ऑफ सर्विसिंग। ओके गाइस, एक छोटी सी पंगे छोटे से पंगे छोटा सा पंगा हो गया है। मेरे पास अभी फिलहाल कैश नहीं है और कैश SBI के ATM पे भी नहीं है। मैंने तीन चार जगह ट्राई कर लिया, नहीं मिला। और लेट मी सी, किसी प्राइवेट बैंक के ATM में तो मिल जाना चाहिए। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर देखते हैं क्या होता है। भगवान भला करे इस एक्सिस बैंक के ATM का। एक्सिस बैंक थम्स अप। एक्सिस बैंक के ATM में मुझे मिल गया कैश, और कैश मिल गया, टेंशन खत्म। अब चलते हैं और बाइक की सर्विसिंग कराते हैं। ओके गाइस, ये जो सामने आपको दिख रहा है बिल्डिंग, ये एक छोटा सा गैरेज है और यहीं पे स्पेयर पार्ट भी मिलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे अपनी सर्विसिंग करा लूँ, और पास्ट में मेरे किसी फ्रेंड ने भी यहाँ से कराया हुआ है सर्विसिंग, तो ये भी एक कारण है मैं यहाँ सर्विस कराता हूँ। और आप देखिए ये अगला क्लिप। गाइज, एक दिक्कत ये हो गया था कि जो मेरा मोबाइल है मोटो जी 5, क्या हो गया कि इसका जो बैटरी है वो हो गया क्रिटिकल, जिसके वजह से मैं क्या है पूरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं सॉरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो 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 सॉरी फॉर दैट, बट जितना हुआ मैंने रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल पे। और जो बड़ा वाला कैमरा था यार, उसको मैं लेके आया नहीं, मेरी गलती थी, शायद लेके आना चाहिए था। बट एनीवे, आपको उस वीडियो के क्लिप में थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया रहेगा कि कैसे काम होता है सर्विसिंग पे। ऑब्वियसली उनके कोई ड्रेस नहीं होते हैं, कोई वहाँ पे लिफ्टिंग सिस्टम नहीं होता है। अच्छे वाले प्राइवेट में होते होंगे, मैंने लोकल में कराया है, तो यार फिलहाल तो ऐसे ही है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आप बाहर में करवाएंगे सर्विसिंग तो आपके पास रहेगी चॉइसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंजन ऑयल चेंज करना है, आपके पास ऑप्शन है। आपको जो अपग्रेड करना है अपग्रेड कीजिए, डिग्रेड करना है डिग्रेड कीजिए। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा इंजन ऑयल चाहिए। अगर आप किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ये काम करना चाहें तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब मैंने ऑथराइज सर्विस सेंटर पे कहा था कि मुझे फुली सिंथेटिक ऑयल डालना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने बोला कि मैं बाहर से लाके देता हूँ, तो वो उन्होंने बोला कि हम बाहर का इंजन ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके का प्रॉब्लम होता है ऑथराइज सर्विस सेंटर पे, मेरे साथ हुआ था। बट अगर मैंने बाहर करवाया जैसे अभी, तो मुझे जो इंजन ऑयल चाहिए था मैंने वो इंजन ऑयल डलवाया विदाउट एनी इश्यू। सेकेंड थिंग इज, आपको कौन से पार्ट्स चेंज करने हैं या नहीं करने हैं ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि चेंज करने चाहिए तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि चेंज नहीं करने चाहिए तो आप नहीं भी करें, आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एयर फिल्टर कई बार लंबे चल जाते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो आप मत कीजिए। आपको लगता है कि आपको बाइक वॉश नहीं कराना है क्योंकि आप घर पे धोएंगे, तो आप बाहर पे मत धुलवाइए। आप मतलब आपके पास चॉइस है बेसिकली। एक और एडवांटेज ये है कि आपको लंबे लंबे लाइन पे नहीं लगना पड़ता है। लंबे लाइन पे लगेंगे तो
सर्विस सेंटर पे अक्सर क्या होता है कि आपको लंबे लंबे लाइन पे लगना पड़ता है, आपके बाइक की डिलीवरी की वेटिंग काफ़ी लंबी हो जाती है, बट अगर आप बाहर करवाते हो तो आपको ये लंबे लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा, आपको जल्द से जल्द आपकी बाइक भी मिल जाएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगा, अगर आप बाहर पे सर्विस करवाते हो तो आप सब चीज़ अपने आँखों के सामने में देखते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब आप अपने आँखों के सामने सर्विस होते हुए देख लेते हो अपने बाइक को। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ऑथराइज सर्विस सेंटर पे वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि आपको वो घर भेज देते हैं कि आपके बाइक को लगेगा अभी 5 घंटा 6 घंटा, तो आप घर जाइए, जब आपको वापस आओगे तो आपकी बाइक रेडी मिलेगी। बट अगर आप बाहर करवाते हो तो आप अपने बाइक को अपने आँख के सामने सर्विस होते देख सकते हो, तो इसमें कोई छेड़ा खानी का ज़्यादा इशू नहीं होता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। सबसे बड़ा और मेजर नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो ये है कि शायद आपको स्पेयर पार्ट की कमी पड़ जाए अगर आप बाहर करवाते हो तो, क्योंकि जैसे आपकी जो एयर फिल्टर है वो चेंज करानी है, लेकिन उस शॉप पर या आसपास में वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि अगर आपको चेंज करना है बट बाहर में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। सेम केस होता है ऑयल फिल्टर के साथ, अगर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो दैट विल बी अ ट्रबल। तो सबसे बड़ा और मेजर नेगेटिव पॉइंट ये है कि बाहर में आपको स्पेयर पार्ट की कमी पड़ सकती है, आपको जेन्युइन स्पेयर पार्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है बाहर में। सेकेंड थिंग ये, अगर आपको टेक्निकली थोड़ा आप टच नहीं हो, आपको थोड़ा सा नॉलेज कम है इस मामले में, तो आपको वो लोग चीट कर सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती ज़्यादा स्पेयर पार्ट बेचा जा सकता है, आपको अननेसेसरी काम आपके बाइक में किए जा सकते हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट है दो। बाकी इसके अलावा तो मुझे ज़्यादा कुछ नेगेटिव पॉइंट मिला नहीं। क्या आपको बाहर कराना चाहिए? यस, अगर आप बाहर करवाते हैं, अगर आपको पता है थोड़ा बहुत टेक्निकली आपको नॉलेज है तो आप बाहर कराएंगे तो आपको खर्च कम लगेगा, आपको ज़्यादा लंबा लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा, आपकी वेटिंग टाइम कम रहेगी, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो आप बाहर पे करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको टेक्निकली नॉलेज थोड़ा सा कम है, आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पर ही सर्विस करवाएं अपनी बाइक को। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं। एंड Do check out other content on my channel. अगर आपको अच्छा लगता है content तो please subscribe करें इस channel को, और साथ में दबा दें वो bell icon, YouTube का कोई नया system है। And as always, ride hard, ride safe, ride responsible. This was Ravi Utkarsh signing off. एक चीज और, आपने वीडियो में देखा होगा कि जो मेरे राइडिंग जैकेट का है चेन खुला हुआ है, आपने अगर मिरर पे देखा होगा, तो प्लीज उसके लिए हेट कमेंट मत कीजिएगा। रीजन वो ये है कि उसका जो चेन है वो खराब हो चुका है, मैं चाके उसे लगा नहीं सकता। सो दैट वॉज द रीजन, बस यही कहना चाहता था। और एक चीज और, जाते जाते इतना भी सुन लीजिए यार, अगर अभी तक आप देख रहे हो तो, आपने कई लोग ये भी बोलेंगे कि इतने समर पे, पसीना भी आ रहा है, इतने समर पे राइडिंग जैकेट क्यों भी ब्लैक कलर का? सिंपल सा फंडा है, अगर मैं राइडिंग जैकेट नहीं पहनूंगा तो जो गरम गरम दोपहर के हवाएं होते हैं और आप बाइक स्पीड पे चलाओगे तो गर्म हवा पूरे स्किन को जला डालता है, आपकी स्किन टैन हो जाती है। और अगर आप राइडिंग जैकेट पहन लेते हो तो जब आप गाड़ी खड़ी रखते हो सिर्फ उसी समय आपको गर्मी लगता है, बाकी जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको डायरेक्ट हीट और डायरेक्ट हॉट एयर इम्पैक्ट नहीं करते और आप एक कम्फर्ट जोन पे रहते हैं। तो समर हो या विंटर, वियर राइडिंग जैकेट, दैट्स ऑल। अब ये फाइनल खत्म। और बाहर पे अरे इंजन ऑयल चेंज किया जाता है आफ्टर, क्या करूं मैं उसका, जनरल चीजें की जाती है। अरे यार ये डीजे वाले की तो